हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज मैं एआई से चैलेंजेस लेने वाला हूँ, पीवीपी के रिलेटेड और ब्रिजिंग के रिलेटेड, क्योंकि इन दो में भी बहुत अच्छा हूँ और बाकी चैलेंजेस हम अगली वीडियो के लिए बचा के रखेंगे। तो अगर तुम नए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो यार, जल्दी से 100 सब्स हम लोगों ने करा दिए, बहुत बहुत थैंक्स। अब हमें 1000 सब्स करना है, सबसे पहले तो 500 सब्स करा दो, 1000 देखेंगे। तो या एंजॉय वीडियो। सबसे पहले तो हम उससे जाके सवाल मैंने करके रखे हैं, मैं तुम्हें दिखा दूंगा स्क्रीन पर डायरेक्ट। तो या हम आ चुके हैं स्क्रीन पर, तुम लोग देख सकते हो, एक आयरन फिस्ट वाला चैलेंज और एक नो आर्मर वाला चैलेंज। बाकी चैलेंज आसान थे क्योंकि वो सारे गेम मोड थे, इतना अच्छा नहीं पता है सीआई को। तो हमारे पास दो चैलेंज हो गए, 1.19 पीवीपी के नो आर्मर चैलेंज और आयरन फिस्ट चैलेंज। तो मुझे नो आर्मर चैलेंज थोड़ा सा ईजी लगा तो मैंने वो ट्राई किया। सबसे पहले यहाँ आ गए, मैं शुरू में आर्मर उतारना भूल गया था तो उसको इग्नोर करो, मैं डब कर रहा हूँ। अब मैंने उतार दिया आर्मर, पता नहीं काउंट हो गया या नहीं। तो अगर ये काउंट नहीं हो रहा तो हम एक और दफा मैच कर लेंगे। गया भाई, दो तीन ट्राई तो लगने वाले हैं। स्ट्राइक मैं कर दूंगा, स्ट्राइक मैं कर दूंगा। आ जा आ जा आ जा आ जा, बस एक दफा कॉम्बो में आ जाना। आ गया कॉम्बो में, मर जा। ये मार दिया मार दिया मार दिया। चलो हमारा एक चैलेंज तो पूरा हो गया, 1.19 का नॉर्मल चैलेंज। तो अब अगला चैलेंज आयरन फिस्ट चैलेंज, मतलब हमें फिस्ट से मारना है जो कि बहुत हार्ड था, तुम लोग देख ही सकते हो। मैं मार मार के थक गया इसको, बार बार रीजनरेट हुआ जा रहा था, जाहिल आदमी, इसकी क्या गलती है। तो ये थोड़ा इम्पॉसिबल सही था, बल्कि पूरे इम्पॉसिबल था, उसको मैं कैसे मारूँ। तो मैंने सोचा कि वुडन स्वॉर्ड निकाल लेना, तो मैंने इसको कर दिया कंप्लीट, क्योंकि वो हो ही नहीं रहा था तो मैं क्या करूँ। इससे कम से कम हेल्थ तो जा रही थी इसकी, और इस सामने वाला बंदा देखो कितना लैग मार रहा है भाई, अजीब। तो हमारे 1.19 के दोनों चैलेंजेस हो गए। तो अब तुम लोग देखोगे बोनस क्लिप, इसमें तुम मेरा पनिशमेंट देखोगे, क्या मस्त पनिशमेंट मारा मैंने। चलो अब हम आते हैं अपना ब्रिजिंग वाले पे। तो तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे हम आ गए, एआई से मैंने सवाल करके रखा हुआ है। नो जंप ब्रिजिंग मुझे थोड़ा सा लगा कि हाँ थोड़ा मुश्किल हो सकता है नो जंप ब्रिजिंग, और नो स्नीकिंग ब्रिजिंग, मतलब नो शिफ्टिंग ब्रिजिंग जो है ये तुम लोग देख सकते हो, और स्पीड ब्रिज, मतलब जितना फास्ट हम कर सकते हैं उतना फास्ट वाली स्पीड ब्रिज नहीं। तो हमारे पास 1.8 के तीन चैलेंज हो गए, स्पीड ब्रिज, नो जंप ब्रिजिंग और नो स्नीकिंग ब्रिजिंग। तो सबसे पहले तो मैं करने वाला हूँ नो जंप ब्रिजिंग। सबसे पहले तो मैंने गॉड ब्रिज का ट्राई, पता नहीं क्यों क्या उसमें जंप करनी होती है, जाहिलों में छोड़ो। तो फिर मुझे ख्याल है तो बहुत ईजी चैलेंज था, क्योंकि हमें सिर्फ स्पीड ब्रिज करनी है जो कि बहुत ईजी है, उसमें जंप नहीं कर सकते हम, स्नीक करना। पहुंच गया, और मेरा 11.571 का चैलेंज, एक चैलेंज हो गया हमारा कंप्लीट। तो अब हमारे पास दो चैलेंजेस बचे थे, तो मैंने सोचा कि टेली ब्रिज करते हैं, ताकि वो भी हो जाए, जंप वाली ब्रिजिंग भी हो जाए, नो स्नीकिंग ब्रिजिंग और वो भी हो जाए फास्टेस्ट ब्रिजिंग। तो मैंने टेली ब्रिजिंग करने का ट्राई किया, इसमें देख सकते हो कितनी दफ़ा फेल हुआ, मरे ही जा रहा हूँ मैं। काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने के बाद मैं थोड़ा करीब पहुंचा था उसके, मतलब जो अपना जगह है, और मुझे बस अपना पर्सनल बेस्ट तोड़ना है, चाहे 1 सेकंड से क्यों ना तोड़ दूँ। और तुम लोग सोच रहे होगे कि मैं फेक टैली क्यों कर रहा हूँ, तो फेक टैली मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि असली वाली टैली मैंने वीडियो के लिए बजा के रखनी है, हमें भी तो कंटेंट निकालना है ना। तो अब तुम लोग देखने वाले हो मेरे मरने का मॉन्टेज, क्योंकि बहुत हार्ड है टेलीविजन करना। तो बहुत ही ज्यादा मर मराने के बाद मैंने आखिरकार दो तीन ट्राइस के बाद कर दी। पहुंच गया 8301। अबे छोड़ो, इसको पागल हो गया गेम,
यहाँ देखो तुम लोग 8265 ये सही। तो हमारे तीनों चैलेंज कंप्लीट हो गए जो मैंने टेली ब्रिजिंग की थी, 9 स्नीक ब्रिजिंग पूरी हो गई और टेली फास्टेस्ट ब्रिजिंग भी। तो होप तुम लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगा है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा तुमसे ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में, और 500 सब्सक्राइब करा दो। बाय।